हेलो दोस्तों, रिजल्ट जीत के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह, और आज हम अपने इस स्पेशल सेगमेंट में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तो पढ़ा होगा, पर आपको यही पता होगा जो हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण में मौजूद इंसान हो, चाहे आपके जीव जंतु हो या समुद्री जीव हो, सबका एक विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट महत्व हो। इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि जो समुद्री जीव होते हैं ये किस प्रकार से हानिकारक प्रभावों से खत्म होते जाते हैं। आज हम ये टॉपिक क्यों चर्चा में कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक समुद्री टैंक था जो क्रूड ऑयल को लेकर जा रहा था। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जब हम जमीन से तेल को निकालते हैं कच्चे रूप में होता है, जैसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर इसको ले जाके हम रिफाइनरियों में प्रोसेस करते हैं, फिर इससे हम कई सारे उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन और भी कई भिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको उत्पाद देखने को मिलते हैं। अब हाल ही में एक जहाज था जो इस फ्यूड ऑयल को लेके जा रहा था और एक तूफान में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे उस टैंक में मौजूद तेल आसपास के समुद्री क्षेत्र में फैल जाता है। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो ये समुद्री तेल होता है जब ये फैल जाता है तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, और इस समुद्री तेल से कितनी हमें हानि देखने को मिलती है, और इसको नियंत्रित करने के क्या कारण है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अभी तक कितनी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, एक प्रकार से सभी कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अब यहां पर बात आती है चर्चा में तो है, तो हाल ही में आप देखेंगे 25 जुलाई को यहाँ पर एक तूफान आया था। तूफान नाम था टाइफून गेमी, और टाइफून गेमी के अंतर्गत फंस के एक टैंक, तेल का टैंकर था, जहाज हम भी कह सकते हैं, जो मनीला की खाड़ी में, क्या हुआ यहाँ पर, मनीला की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और इसमें मौजूद जो भी तेल था ये पूरा एक प्रकार से फैल जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे इमेज ये दी गई है पीछे, इस प्रकार का जहाज होता है जो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है। इनमें लाखों गैलन क्रूड ऑयल को यहाँ पर स्टोर करके रख जाता है। जैसे हम चीजों को लीटर में नापते हैं, ऑयल को हम गैलन में नापते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक आपको आसपास दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा इस जहाज से निकला हुआ तेल है जो आसपास के क्षेत्र में फैल गया है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर टाइफून गेमी नामक एक तूफान आया, चक्रवात आया, इसी फंसकर एक टैंक था जो मनीला की खाड़ी में जा रहा था। इस टैंक का नाम था ME-13 नोवा, ये जहाज था। अब इसमें कहा जा रहा है 1.4 मिलियन लीटर कच्चा तेल था, यानी क्रूड ऑयल था। ये सारा का सारा तेल समुद्र में फैल गया है एक प्रकार से। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें एक चालक दल के सदस्य की मृत्यु हुई और 16 लोगों को बचा लिया गया है। सिर्फ यहां पर जो कैजुअलिटी थी भगवान की कृपा से एक ही हुई है। अब यहां पर आइए, आइए अब यहां पर बात करते हैं ME-13 नोवा, जो ये जहाज था इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। तो यहां पर आएंगे, ये एक तेल टैंकर था। जहाज कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिछले इलेक्शन में हमने बात की थी, सेना भी कई प्रकार के जहाजों का प्रयोग करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स, फिर हमने यहाँ पर कॉमेट को भी देखा था, कई सारे डिस्ट्रॉयर को देखा था। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो कई प्रकार के जहाज होते हैं जो सिविल यूज में किए जाते हैं, जैसे कई बड़े बड़े शहरों के ट्रे आपने देखे होंगे जिनमें लोग ट्रांसपोर्ट कर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सामान को ढोने वाले जहाज भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टाइफून नेमी है, इसके कारण खराब मौसम उत्पन्न हुआ और यह जहाज मनीला की खाड़ी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब तेल टैंकर पलटने से समस्या, अब बात आती है कि टैंक तेल टैंकर पलट तो गया, समस्या क्या क्या उत्पन्न हुई। तो समस्याओं की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे मनीला की खाड़ी में तेल रिसाव की दुर्घटना में देखने को मिली, और तेल रिसाव से कई सारी पर्यावरणीय और प्राकृतिक हानियां हमें उठानी पड़ती हैं, जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर आप देखेंगे यह जो तेल रिसाव है ये कई किलोमीटर में फैल गया है। आपको इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि जो तेल होता है ये पानी के ऊपर तैरता है, इतनी तो जानकारी होगी आपको बेसिक, बचपन से आप ये चीज देखते आ रहे होंगे। नहीं देखा हो, एक उदाहरण देता हूं, घर में तेल लेना, तेल कोई सा भी हो सकता है, शरीर में लगाने वाला या कुकिंग ऑयल,
उसकी कुछ बूंदें आप पानी पर डालना, तो आप देखेंगे पानी की सतह पर वो फैल फैल जाएगा, नीचे नहीं डूबेगा। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे जो ये पानी है, जो ये तेल है, ये पानी की सतह पर तैर रहा है, कई किलोमीटर के एरिया में ये विस्तृत हो चुका है, फैल चुका है। अब ये जो तेल फैला है, इसके कारण पर्यावरण, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, इसे काफी हानियां होंगी। एक तो मछलियों को हानियां होंगी, अन्य जलीय जीवों को हानियां होंगी, और जल में जो पादप होते हैं उनको हानि देखने को मिलेगी। कैसे, इसको अभी हम बताते हैं आपको, सब चीजों पर देखेंगे। अब देखो, अब यहां पर जो तेल फैल जाता है, इसे रोकने के लिए हम दो तकनीक का प्रयोग करते हैं। पहले मैं आपको तकनीक के बारे में बता देता हूं, ठीक है, फिर हम आएंगे सुविधा के लिए। जब कोई जहाज होता है, इसमें से जब पान जो तेल रिसाव हो जाता है या दुर्घटना कुछ भी हो जाए, तो इस तेल रिसाव को रोकने की दो तकनीक होती है। सबसे पहले पहली स्लाइड पर आ जाते हैं। अब देखो यहां पर आप देख रहे होंगे एक टैंक है, और टैंक हो गया दुर्घटनाग्रस्त। अब ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, पानी के अंतर्गत तेल आपको सतह पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेल पानी में नहीं डूबेगा, ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर इस क्षेत्र में जो मैंने रेड रेड सर्कल किया है, इस क्षेत्र में ये पूरा पानी आप तेल आपको देखने को मिल रहा होगा। अब होगा क्या, यहां पर एक तकनीक होती है जिसे हम कहते हैं बूम तकनीक। कौन सी तकनीक, जिसे हम कहते हैं बूम तकनीक, ठीक है, इसे इंग्लिश में BOOM, बूम कहा जाता है, बूम तकनीक। अब ये जो बूम तकनीक है, इसके तहत जिस क्षेत्र में तेल फैला है, यहां पर हम क्या करेंगे, बैरिगेटिंग करेंगे। जैसे आपने देखा है भीड़ को रोकने के लिए सरकार बैरिगेटिंग करती है, जैसे आप आंदोलन करने जाएंगे तो सरकार यहां पर बैरिगेट लगा देती है, जिससे आप उसे पार ना कर पाए, दूसरी तरफ पुलिस रहती है, एक तरफ आंदोलनकारी रहते हैं। उसी प्रकार से आप एक चीज और देखिए, प्लास्टिक की कोई चीज है, उसमें आप हवा भर दें, बलून है, उसमें आप हवा भर दें, तो पानी पर तैरता रहेगा। उसी प्रकार से प्लास्टिक के हल्के हल्के बैरिगेट बनाए जाते हैं, इसके अंदर हवा भरी रहती है, और उसको हम ये पूरे क्षेत्र में जहां जहां तेल फैला रहता है उसमें चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे ये एक प्रकार से बाढ़ बंदी का कार्य करता है। तो ये तेल उसे पार करके आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, उस बूम को पार करके आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। इससे हम एक क्षेत्र विशेष में ही इसे सीमित करके रखते हैं। ये तो एक तकनीक हो गई। इसी के साथ में एक दूसरी तकनीक होती है, जिससे हम यहां पर क्या है, जिससे हम यहां पर तेल रिसाव को कम करते हैं, इसे कहते हैं स्किमर्स। स्किमर्स क्या होते हैं, स्किमर्स बेसिकली छोटी छोटी नाव होती है, छोटे छोटे बोट होते हैं। इनके ऊपर हम कई प्रकार के इक्विपमेंट्स लगाते हैं, जिससे हम सतह के ऊपर के पानी तेल को धीरे धीरे करके साफ करते जाते हैं। तो ये दोनों तकनीक होती है जिससे हम इसे साफ करते हैं। एक तकनीक और होती है ऑयल जैपर। ऑयल जैपर एक बेसिक प्रकार के, आप मान लीजिए कीड़े हैं, जहां पर तेल रिसाव होता है वहां पर उन्हें छोड़ देते हैं। ये क्रूड ऑयल को ही खाते हैं, और ये उन्हें खा खा के अवशिष्ट के रूप में निकाल देते हैं, और यहां पर इसको हम ऑयल को क्या करते हैं, एक प्रकार से पानी को साफ कर देते हैं। ये सारी तकनीकें हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें प्रदान की है। अब यहां पर आप देखेंगे समुद्री सतह पर तेल रिसाव के कारण। अब समुद्री जो सतह होती है, इस पर किन किन कारणों से तेल रिसाव होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो मैंने आपको बताया, जैसे जो टैंकर होते हैं ऑयल के, ये जब ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इनमें आप देखेंगे ऑयल को लोड करने में और अनलोड करते समय भी तेल रिसाव होता है, पहली समस्या। दूसरी समस्या एक्सीडेंट की, अगर इनका किसी अन्य सब के साथ भी चक्कर में साथ एक्सीडेंट हो जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑयल रिसाव होगा। तूफान में फंसकर इनसे ऑयल रिसाव हो सकता है। साथ में यहां पर आप देखेंगे ड्रिलिंग रिंग जो होती है उनसे ऑयल रिसाव होता है। पाइपलाइन जो समुद्र में फैली रहती है एक देश के दूसरे देश तक, जैसे भारत काफी पाइपलाइन लेके आ रहा है, उस प्रकार की पाइपलाइन होती है, तो यहां पर आप पाएंगे उसमें भी रिसाव देखने को मिलता है। अपरपतीय जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो समुद्र में प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं, उनमें रिसाव होता है। रिफाइनरियों से रिसाव हो सकता है, तेल कुओं से रिसाव हो सकता है, दुर्घटनाओं में रिसाव हो सकता है, मानवीय त्रुटि मनुष्यों की गलती से भी यहाँ पर तेल रिसाव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कारण ऐसे हैं जो तेल रिसाव के लिए उत्तरदायी हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तेल रिसाव से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कई प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जो मछलियां होती हैं इस तेल के संपर्क में आएंगी और उनके शरीर के ऊपर भी यह तेल चिपक जाएगा।
जिससे वह सांस लेने में सांस छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगी, इसी प्रकार से जल का अवशोषण और निष्कर्षण नहीं कर पाएंगी, भोजन नहीं कर पाएंगी, और एक प्रकार से आप देखेंगे ये तेल उनके ऊपर जम जाएगा, एक तो ये कारण। दूसरा, इस तेल को गलती से अगर वो खा लें या फिर गले में अंदर शरीर में ले लें तो उससे भी उनके बॉडी को काफी नुकसान पहुंचने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो शैवाल होती है समुद्र के नीचे, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर होते हैं। जब एक बड़े क्षेत्र के ऊपर ऑयल फैल जाता है तो ये ऊपर की तरफ रहता है और इसके कारण समुद्र जो सूर्य की किरणें होती हैं समुद्र में नहीं पहुंच पाती। इसी के कारण शैल जो है ये भी प्रभावित होते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। ये कुछ कारण है जिससे यहाँ पर आपको तेल के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आओ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रकार के और जीव होते हैं, जैसे कि पक्षी हुए, पक्षी उड़ के समुद्र में शिकार करने जाएंगे, जैसे मछली पकड़ने गए छोटी छोटी, या फिर पानी पीने के गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन पक्षियों के शरीर पर भी ये तेल चिपक जाता है, और तेल के चिपकने से यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो पंख होते हैं सही से काम नहीं कर पाते और ये समुद्र में ही डूब के मर जाते हैं। तो कई प्रकार के यहाँ पर हानियां आपको देखने को मिल जाती है, जो क्या है, जो आपकी तेल के रिसाव के कारण यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक, कई सारे जोखिम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम अपने अगले पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो तेल के सेवन से समुद्री जीवों के निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो समुद्री जीव होते हैं इनमें निर्जलीकरण की समस्या हो जाए, क्यों, ऑयल की वजह से उसको नहीं पी पाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कैसे ये प्रोटाइट करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे समुद्री सतह पर तेल का फैलना उसके आसपास की वायु को गुणवत्ता को भी क्या प्रभावित कर देता है, तो इससे वायु गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए कच्चे तेल में जहरीले रसायन होते हैं, क्या है, जहरीले रसायन होते हैं, जैसे कि बेंजीन, ट्योलिन, पॉली एमोटिन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन युक्त पॉली फाइसाक्लिनिक्स एवटोमिक हाइड्रोकार्बन, इस प्रकार के यहाँ पर आपको कई प्रकार के यहाँ पर क्या है नशील आप जहरीले आपको रसायन देखने को मिल जाते हैं जो एक प्रकार के घातक होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तेल रिसाव को साफ करना चुनौतीपूर्ण, तेल रिसाव को साफ करना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है, मैंने आपको कुछ तरीके तो बता दिए थे कि यहाँ पर आप बूम को लगा लीजिए, छोटी छोटी बोतलों से साफ कर सकते हैं, ऑयल जैपर्स की मदद से साफ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए तेल भी एक तरल पदार्थ में होता है जो समुद्र पानी के ऊपर तैरता रहता है, और पानी के ऊपर तैरने के कारण जो यहाँ पर आप देखेंगे समुद्री धाराएं भी होती हैं, इनके प्रभाव में आकर ये काफी क्षेत्र दूर तक बहता हुआ चला जाता है। ठीक है, और काफी बड़े क्षेत्र में बहने के कारण, प्रभावित होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी चुनौती रहती है कि इसको पूरी तरीके से साफ किया जा सके। ठीक, अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तेलों के विभिन्न प्रकार के कारण कुछ तेल पानी में घुल मिल जाते हैं। अब देखो पूरा पानी तेल को आप साफ कर नहीं सकते, एक एक कड़ो साफ कर ले, कुछ ना कुछ तेल तो यहाँ पर पानी के साथ में रहेगा, तो यहाँ पर जो पानी के साथ में रहता है इससे क्या होता है, इसे पार्श्वीकृत हो जाता है पानी, ठीक है, जो पृथक्करण को कठिन कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो तेल रिसाव का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव, अब दीर्घकालिक प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री आबादी होती है खत्म हो जाती है, फिर समुद्री खाद्य श्रृंखला विषाक्त हो जाती है, जीव समुदाय को खतरा हो जाता है, और यहाँ पर कई सारे आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तेल जो मछली पकड़ के अपना जीवन निर्वाह करते हैं मछुआरे होते हैं, उनकी यहाँ पर जीविका के ऊपर प्रश्न लग जाता है, जीविका उन्हें चलाना मुश्किल हो जाता है जब इस प्रकार की ऑयल की घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इस प्रकार की ऑयल घटनाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है 1989 की घटना है, जो कि आपकी कहां से है, एक्सॉन वोल्टेज स्पिल घटना के नाम से जानी जाती है। अलास्का की खाड़ी में से यहाँ पर देख प्रिंस विलियम साउंड तक लगभग 11 बिलियन गैलन कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। ये अपने समझ से सबसे बड़ी और गंभीर समस्याओं में से एक है, 11 मिलियन गैलन का रिसाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे
देखिए, वर्ष 1956 से लेकर 2006 के बीच में 1.51 मिलियन टन तेल का रिसाव यहां पर हो चुका है। अब यहां पर आप देखेंगे बस 1970 से लेकर 2000 के बीच में लगभग 7,000 से अधिक तेल रिसाव घटनाएं हुई हैं। ये जो घटनाएं हुई हैं, ये अलास्का, मैक्सिको की खाड़ी, गैलापागोस द्वीप, सुंदरबन, ओगोनेलैंड और भी कई सारे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में घटित हुई है, जिससे यहाँ पर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र दूषित हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर एक शोध किया गया है अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी इसके अनुसार। इस शोध में कहा गया है कि अभी तक जितनी पर्यावरणीय घटना जो ऑयल रिसावी घटना हुई है, इसके तहत लगभग 2.5 लाख समुद्री पक्षी मारे जा चुके हैं, 2800 समुद्री उद्विलाप एक प्रकार का जानवर होता है ये मारा गया है, 300 हार्बर सील मारे गए हैं, 200 गंजर ईगल मारे जा चुके हैं, 22 गिल यहाँ पर किलर मारे गए हैं। ये तो वो पक्षी हैं जिनकी हमें डेड बॉडी मिली है, जिनके बारे में जानकारी मिली है। इस प्रकार के न जाने कितने पक्षी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो ऑयल स्पिलिंग जो यहाँ पर समुद्री घटना होती है काफी महत्वपूर्ण है। हमने चर्चा की किस प्रकार से होती है, कारण क्या है, कैसे हम इसको समाप्त कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। इसी प्रकार के आपको और भी टॉपिक मिलते रहेंगे। चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, जय श्री।